ठीक है, यानी कि कैटेनरी y इक्वल टू 1/2 e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x की x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच लंबाई ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखिए, यहां पर y इक्वल टू दिया है 1/2 e पावर x प्लस e पावर माइनस x, ये क्वेश्चन दिया है। आप x के सापेक्ष ही निकालना है क्योंकि जो लिमिट दिया हुआ है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच ज्ञात करना है, तो x के सापेक्ष ही आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड बाय x यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा भी y dy by dx इक्वल टू, जब आप डिफरेंशिएट करोगे 1/2 ऐसे ही रहेगा, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e पर पावर x, और e पर पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस e पर पावर माइनस x। ठीक है, यह इसका डिफरेंशिएशन हो गया, एंड इसकी वैल्यू कैसे आएगी, लेंथ ऑफ द कैटेनरी कैसे आएगी, पहले 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर निकालो और तब डायरेक्ट इसको आप जो है फार्मूले में रखो, तो यहां पर क्या होगा ds अपॉन dx, इसको निकालने के लिए क्या करते हो आप, अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, मींस क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1/2 का e पावर x माइनस e पावर माइनस x, का होल स्क्वायर। ठीक, अब यह ds अपॉन dx यह हो जाएगा, अब ds अपॉन dx ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 तो ऑलरेडी है, 1/4 हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर e पर पावर x एंड माइनस e पर पावर माइनस x का होल स्क्वायर। 4 से आप मल्टीप्लाई करके इसे बाहर निकाल लो, 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस ये e पर पावर x e पर पावर माइनस x ब्रेक कर दो आप, ठीक है, तो होल स्क्वायरिंग ब्रेक कर दो आप, अपॉन 4 कर लो, होल स्क्वायरिंग ब्रेक करोगे e पर पावर 2x प्लस e पर पावर माइनस 2x और माइनस 2 टाइम्स e पर पावर x e पर पावर माइनस 2x, माइनस 2 टाइम्स e पर पावर x e पर पावर माइनस x, आप लिख सकते हो इसे, यह e पावर x माइनस e पर पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर ही है ये। ठीक है, जैसे a माइनस b का होल स्क्वायर होता है वैसे ही आप करोगे इसमें, और यहां पर क्या हो जाएगा e पर पावर 2x प्लस e पर पावर माइनस 2x माइनस 2 टाइम्स e पर पावर x e पर पावर माइनस x अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस e पर पावर 2x और प्लस e पर पावर माइनस 2x माइनस 2 e पर पावर माइनस x e पर पावर x दोनों मिला दोगे माइनस 2, ये जो है 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो गया अपॉन 4, 4 को तो आप बाहर ले सकते हो 1/2 हो जाएगा, और यह जो है 4 माइनस 2 ये घटेगा तो प्लस 2 आ जाएगा, तो e पर पावर 2x प्लस e पर पावर माइनस 2x प्लस 2, एंड इट कैन बी आल्सो रिटन एज जैसे e पर पावर x e पर पावर 2x e पर पावर माइनस 2x माइनस 2 e पर पावर माइनस x और प्लस x था, तो वही चीज को 1 होता है, ये आप देख लिए हो, यानी कि इसी e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस x का होल स्क्वायर था, उसी तरह से e पर पावर 2x e पर पावर माइनस 2x प्लस 2 जो है ये लिखा जा सकता है e पर पावर माइनस x और e पर पावर x के रूप में, और यह e पर पावर x क्या हो जाएगा e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x का होल स्क्वायर होगा। देन इसे जो है आप स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 1/2 e पर पावर x प्लस e पर पावर
माइनस एक्स, ये हो जाएगा। देखो कितना आसानी से ये जो है चीज वही आ गया जो वाई को टू ई पर पावर वन बाई टू ई पर पावर एक्स ई पर पावर माइनस एक्स था, वही चीज यहाँ पर भी आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा वो चीज हम देख लेते हैं। तो लेंथ यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू जीरो टू वन और अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, यही चीज फार्मूला था। तो और डी वाई बाई डी एक्स वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आपने निकाली है वो वन बाई टू, इसीलिए वैल्यू पहले निकाल लेते हैं कि बार बार उस इंटीग्रेशन सिंबल को लेकर चला ना पड़े। आपकी वैल्यू यहाँ तैयार है वहां रख दीजिए, तो जीरो टू वन वन बाई टू इसकी पूरी की वैल्यू है ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स, वन बाई टू तो बाहर हो जाएगा, ई पर पावर एक्स जीरो टू वन ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लीजिए क्या हो जाएगा, वन बाई टू ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स होगा, ई पर पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस ई पर पावर माइनस एक्स होगा और जीरो टू वन क्योंकि इसका माइनस आगे आ जाएगा। अब इसमें जो है आप वैल्यू पुट कर लें, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहां पर क्या हो जाएगा वन बाई टू एंड ई पर पावर वन अपर लिमिट माइनस ई पर पावर जीरो, पहले में पुट कर रहे हैं ई पर पावर जीरो, ये फर्स्ट ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस ई पर पावर माइनस वन ई पर पावर माइनस वन और माइनस ई पर पावर जीरो, या दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक। अब जो है इसे वैल्यू देख लीजिए क्या आता, वन बाई टू ई पर पावर वन मतलब ई हो गया माइनस ई पर पावर जीरो वन हो गया माइनस ई पर पावर माइनस वन यानी कि वन अपॉन ई हो गया और ई पर पावर जीरो मतलब वन हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गया और आपको फाइनली जो आंसर मिला वन बाई टू ई माइनस वन अपॉन ई, और यही जो है इस कैटेनरी का लेंथ होगा, इस कैटेनरी का जो है वक्र की लंबाई होगी जो जहां तक दिया था दैट इज वन बाई टू ई माइनस वन अपॉन ई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीका है कैटेनरी का निकालने के लिए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और यहां पर क्वेश्चन नंबर थ्री,